स्वागत है दोस्तों ताज़ा खबरों में। तो इस समय दुर्ग से बड़ी खबर सामने आई है। जांजगीर में हत्या कर दुर्ग में छिपे थे हत्यारे। रोताही मेले में चार लोगों को मारा चाकू, एक की चले गई थी जान, छह गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में चाकू मारकर युवक की हत्या करने वाले छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रोताही मेले में इन्होंने मिलकर चार लोगों को चाकू मारा था, जिसके चलते एक की जान चले गई थी, जबकि तीन लोगों का इलाज चल रहा है। वारदात को अंजाम देकर यह दुर्ग जिले में छिपे थे। पुलिस ने अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मामला पामगढ़ थाना क्षेत्र का है। 22 दिसंबर की रात को कोसला गांव में रोताही मेले का आयोजन किया गया था। इसी दौरान इन छह लोगों ने मिलकर चार लोगों पर चाकू से हमला कर दिया था। बताया गया है कि रात को करीब 8 बजे एक आरोपी सूरज वर्मा का पैर भीड़ में दब गया था, जिसके चलते सूरज का विवाद महेश्वर कश्यप, कलीराम यादव, राजेश्वर कंवर, दिल सिंह कंवर के साथ हुआ था। विवाद के बाद पुलिस ने उन्हें शांत भी करा दिया था। विवाद शांत होने के बाद वहां नाच गाने के कार्यक्रम में सब मस्त हो गए थे, मगर सूरज कुछ समय बाद फिर वहां लौट आया और उसने पांच साथियों के साथ मिलकर चारों पर चाकू से हमला कर दिया था। वारदात को अंजाम देकर सभी फरार हो गए थे। हमले में चारों को गंभीर चोटें आई थी। चारों को प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान महेश की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य लोगों का इलाज अभी अस्पताल में ही चल रहा है। पूरी वारदात के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। इस बीच पुलिस को पता चला कि आरोपी दुर्ग में छिपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस वहां मौके पर गई और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में अजय कुमार वर्मा 25 वर्ष, जितेंद्र कुमार 27 वर्ष, विजय कुमार वर्मा 30 वर्ष, सूरज वर्मा 19 वर्ष, मिथिलेश वर्मा 27 वर्ष और ताराचंद 18 वर्ष को गिरफ्तार किया है। यह सभी जांजगीर जिले के ही रहने वाले हैं। इनके पास से घटना में इस्तेमाल चाकू और डंडा भी जब्त किया गया है।